कहाँ से उठा लाए भाई ये? यार बहुत दिनों से मेरी 390 चलाने की इच्छा होती और डायरेक्टर साहब जो आज 390 उठा लाए। क्या हुआ भाई? तो भाई क्या हुआ? गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार अभी बज चुके हैं दोपहर के 2 एंड आज का पूरा दिन मेरा जो है सब सामान को इधर उधर करने में निकल गया, क्योंकि कल मैं वापस निकल रहा हूँ भाई अपने गांव के लिए पूरे 5 दिन बाद। आई थिंक 5-6 दिन ही हो गए मुझे। एंड यार मम्मी का व्लॉग भी बहुत दिनों से अपलोड नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से घर जाऊँ, उसके बाद मम्मी के चैनल पे भी जो है यार कंटेंट अपलोड करूँ। आई थिंक 15-16 दिन हो चुके हैं उसमें वीडियो नहीं आए हुए। तो अभी नहा धोके रेडी हो चुका हूँ, बस अब निकलते हैं यहाँ से डायरेक्टर साहब के घर पे, क्योंकि अपनी जो शॉर्ट फिल्म है वो शूट हुई है, एडिट नहीं हुई है, तो एडिट वही करेगा। तो अपना चार्जर ले लेते हैं क्योंकि मेरे को रात भी हो सकती है वहीं पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार गाड़ी होने के बावजूद भी मैं ऑटो में ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ हमारी जो है वो संडे के दिन फ्री रहती है, क्योंकि सब लोग ऑफिस जाते हैं ना, दीदी लोग, भैया लोग, जिया जी लोग, तो इस वजह से मेरे को अभी ऑटो से ट्रैवल करना पड़ रहा है। बाकी यहाँ पे आगे जो है अपने डायरेक्टर साहब का घर ही आ गया, तब वो आई जाएंगे अपने को लेने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई यार रोड पे तो छोटा सा पप्पी घूम रहा है, देखो यार कितना क्यूट सा यार ये। हेलो हेलो, यहीं का लगता है मुझे। चल चल घर को जा। मैं सोच रहा था किसने अपना कुत्ता छोड़ रखा है, बट वो किसी का है यार, तो चला गया घर पे वो, मैंने जा बोला। तो यार फाइनली हमारे डायरेक्टर साहब के घर पे पहुंच गए और इन्होंने अपना घर ना भाई बीच बगीचे में बना रखा है। देखो आसपास बिल्कुल आपको आम के लीची के ही पेड़ मिलेंगे। तो अभी जो है डायरेक्टर साहब ने हमारे लिए एक बहुत तगड़ा सा चीज सोच रखा है। डायरेक्टर साहब क्या है बताओ तो, कुछ सरप्राइज देने वाले हैं कह रहे थे। कुछ बताऊंगा ही नहीं भाई, बताने की चीज नहीं है ना, वो तुम्हें सरप्राइज दिया जाएगा, मतलब सरप्राइज दिया जाएगा। चलो तो देखते हैं डायरेक्टर साहब क्या सरप्राइज देते हैं। फिलहाल तो हम भाई के घर पे पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा घर पे चलते हैं। ये अपने डायरेक्टर साहब का घर और यहाँ देखो भाई क्या ही व्यू है यार, गजब। पूरा गार्डन ही गार्डन है देखो चारों तरफ। तो डायरेक्टर साहब ने अपनी स्कूटी निकाल ली है और माता जी से परमिशन नहीं मिल रही, इनको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं ना, जबरदस्ती ले जा रहे नहीं जबरदस्ती। तो अभी हम जा रहे हैं सरप्राइज की तरफ। ओ भाई यहाँ तो बिल्कुल अभी तक धान ही नहीं मान रखे किसी ने, देख लो हमने तो कब का धान मान लिया यहाँ पे, देखो अभी तक धान पके भी नहीं है। भाई ये कौन सी जगह पे लिया है, यहाँ क्या है सरप्राइज? तो भाई डायरेक्टर मुझे पता नहीं कौन सा खंडहर में उठा लाया भाई। और तू कहाँ जा रहा है? मैं भी तो आ रहा हूँ। अबे आ रहा हूँ मैं भी यार। भाई चीची यहाँ पे ना बड़ा अजीब सी वाइब आ रही है मुझे, मतलब पता नहीं यार क्या सीन है इसका भी डायरेक्टर का। ओहो मेरी जान, कहाँ से उठा लाया भाई ये? ग्रुप की KTM 390। तो भैया डायरेक्टर साहब हमको ये सरप्राइज देने वाले थे, मतलब इसके लिए तू मुझे इतने खंडहर में ले गया। सरप्राइज अपने हिसाब से देता ना। तो कैसा लगा भाई ये बताओ? जबरदस्त। तो यार बहुत दिनों से मेरी 390 चलाने की इच्छा होती और डायरेक्टर साहब जो आज 390 उठा लाए। ये तो बता इसमें 390 लिख कहाँ रखा? ये मेरे को RC 200 ऐसी लग रही है। मेरी जान तुम्हें इसकी पावर नहीं पता अभी। ये हमने करवाई थी हाल ही में रैप भाई। अच्छा हमने गाड़ी ली तो हमने सीधा फिर मॉडिफिकेशन चाहा। हाँ भाई इसका 390 है, चेक करो। RC 390 ओके। अच्छा ये सारा मॉडिफिकेशन में करवा रखा है ना, ये पूरा रैप है। तो यार चलते हैं अब अपनी RC 390 की राइड पे और कल को मेरे को निकलना है और भाई ने आज मेरे को इतना बढ़िया सरप्राइज दे दिया यार, तो मजा आ गया मतलब यार। तो भाई ड्राइव करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग हेलमेट हमेशा वेयर करके रखते हैं। आप लोगों ने मेरे गांव वाले ब्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हम लोग घर से आधा किलोमीटर या मुश्किल से 1 किलोमीटर की राइड करते हैं। एंड अभी भी मैं जो है ना सिर्फ 500 मीटर की राइड करके आऊंगा, यानी कि 500 मीटर सिर्फ टेस्ट ड्राइव लेके आऊंगा RC 390 की। तो भाई आप पहले मेरे को सुनाओ इसका एग्जॉस्ट। बस तो चलो यार यहाँ पर से लेते हैं एक छोटी सी राइड, वो वहां तक देखते हैं भाई KTM 390 की पावर। यार दीपक भाई ने चेक करी अभी 390 की पावर, अब इन्हें ये बताएंगे कि 390 है नहीं है रियल में। ओ भाई जबरदस्त यार, मैंने करीबन 500 मीटर से 600 मीटर चलाई होगी और भाई जो उसका पिको बना पहले गियर में भाई 50 से 100 के बीच में तो ऐसी चलेगी थी इजीली भाई, तगड़ी यार। सेटिस्फाई हो ना दीपक भाई आज से? मजा आ गया भाई आज के सरप्राइज से, मजा आ गया। थैंक यू सो मच यार, भाई ने मेरे को गाड़ी दिखाई मेरे को बहुत मजा आया। तो आप चल रहे हैं सीधा घर की तरफ? तो यार अभी हम लोग रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, मोमोज वगैरह कुछ है तो यहाँ पे, तो अभी यार यहाँ पे खाएंगे हम लोग मोमोज। मोमोज का ऑर्डर दिया भाई ने तो कुछ खा भी लेंगे। भाई कहाँ जा रहे भाई?
तो भाई क्या हुआ? तो यार पता नहीं क्या सीन कर दिया अभी डायरेक्टर ने, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई। तनी यार क्या पंगा कर रखा है, तनी क्या सीन हो रहा है, लोग पकड़ पकड़ के सुन रहे हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा भाई। चोरी क्या हो गया? आराम से बात करते हैं। ज्यादा क्या हो गया? ज्यादा तीतर बन रहा तू है। एक मिनट गाइस, ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे गाइस दीपक भाई के साथ हो चुका काफी तगड़ा वाला प्रैंक। दीपक भाई तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ। मैंने डायरेक्टर की लगा दिया लंगर। ये है अपनी KTM RC अपने ग्रुप की, एंड ये है इसके ओनर हमारे नवन भाई। तो नवन भाई की गाड़ी है, मजा भाई, फुल पावर यार, फुल एंजॉय करा। दीपक भाई बताएंगे अपना एक्सपीरियंस गाड़ी का। तुम जिंदा हो इतना काफी है भाई। सीन ऐसा हो गया था, मेरे को व्लॉग भी बनाना था, अगर मेरे को व्लॉग नहीं बनाना, मैं कहा कोई मेरा आईफोन फोड़ दे, मैंने कहा इसको बचाऊं या अपना फोन बचाऊं, ऐसा सीन हो गया भाई। आपके मोमो लग गए खा लो चलो। तो अभी अपने को लाइट लेनी है दीपावली के लिए, और वो हम लेंगे भाई की शॉप से ही। तो ये भाई को पहचान दिया होगा, ये डायरेक्टर ने भाई बहुत गंदा बता दिया, सच में बता रहा हूँ। तो ये भाई की शॉप है और भाई की ही जो है RC भी थी। तो अब लेते हैं भाई के वहाँ से कुछ लाइट्स वगैरह। बिजनेस बहुत बड़ा भाई, रामनगर वाले आ जाना भाई के पास जितने भी हैं, सारा स्टॉक मिलता है सारा। ओके बॉस। तो यार फाइनली अपन घर पे आ चुके हैं, एंड मैंने भी डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो यार वो जो प्रैंक था ना भाई, लिटरली बहुत तगड़ा उन लोगों ने सोच रखा था। बेसिकली वो अपने ऋतिक भाई के फ्रेंड ही थे, और बाइक भी जो है उन्हीं की थी भाई। मेरे को तो ऋतिक भाई ने बताया भी नहीं था किसकी बाइक क्या है, मुझे इतना तक पता नहीं था भाई कि हम लोग RC 390 देखने जा रहे हैं। तो अभी वो जो बाइक है वो सेलिंग पे है भाई पहले, बट उसका जो प्राइस है वो अभी अपनी बजट से बाहर है, इसलिए भाई मैं उसको परचेस नहीं कर सकता हूँ। बाकी किसी को परचेस करनी होगी तो आप लोग बता देना। RC 390 भाई फुल पावर, बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी। तो चलो यार अभी मेरा जो सीन है घर जाने का वो 50-80% डन है, एंड बाकी 20% में अभी थोड़ा सा रह रहा है, क्योंकि कल को अभी कुछ सुपर बाइक्स का भी सीन बन रहा है भाई का। तो अगर कंफर्म होता है तो मैं कल रुक जाऊंगा, अदरवाइज मेरा फाइनली है कि मैं कल घर निकल जाऊंगा, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। क्योंकि यार दिवाली आने वाली है और भाई बहुत सारी चीज़ें करनी मेरे को दिवाली में घर पर, एंड घर को डेकोरेट करना है सबसे मेन, तो बहुत ज़्यादा काम भी है, तो वो चीज़ भी देखनी है। बाकी फ्रेंड्स बाकी चलो यार इस व्लॉग को आप करता हूं मैं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल नहीं आ चुके भटकते तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।